अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अब हो रहे हैं रात के 3:30 और हम हैं जद्दा में, और जद्दा के होटल से निकल रहे हैं अब हम ताइफ के लिए। तो जद्दा हम दिन में रहे थे, तो जो पिछली वीडियो गई थी इससे पहले, तो उसमें देखा था कि हम जद्दा शाम के टाइम घूमने गए थे और फिर वापस घर आ गए थे, और घर पर आकर हमने खाना खाया है मंगाकर। तो हस्बैंड खाना लेकर आए थे और खाना खाकर फिर हम चले हैं ताइफ के लिए। तो ताइफ चल जा रहे हैं होटल से अपने जद्दा से। तो अभी ये रास्ता है ताइफ के लिए, और ताइफ मक्का के ही रोड पर जाना पड़ेगा हमें। तो मक्का रोड पर से हमें ताइफ की तरफ को चले जाना है। तो ताइफ जा रहे हैं अभी, हमें सबसे पहले ताइफ जाना है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि ताइफ हम क्यों जा रहे हैं। तो ये है जद्दा का रोड ही अभी, तो ये सभी जानते होंगे कि ये जद्दा के रोड पर पड़ती है जब हम जद्दा से निकलते हैं। तो जद्दा के निकलने के रोड पर ये एक रहल जैसे और ऊपर उसके कुरान जैसे रखा हुआ होता है रहल, और वो बना हुआ है रोड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अब है सुबह का टाइम और अब है हम ताइफ में, और ताइफ में आराम पहनते हैं और यहाँ वॉशरूम है बहुत सारे। तो हम आए हुए हैं ताइफ में, ताइफ में है मिकात जहाँ पर सब एहराम पहनते हैं, और यहाँ बहुत सारी शॉप हैं और बहुत सारे वॉशरूम हैं। तो हम हैं अभी ताइफ में जहाँ पर इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ शॉप है और इस तरीके से है, और ये इतने बड़े बड़े हर साइड में बहुत सारे वॉशरूम हैं। और ये खड़े हैं अमान जो कि ये, वालेकुम अस्सलाम, ये खड़े हैं इस तरीके से पहन कर आराम, और ये खड़े हैं हमारे हस्बैंड, तो ये भी इस आराम में है, और ये भी दोनों। तो फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं मक्का के लिए जहां हम अभी उमरा करेंगे जाके, और यहां से सीधे मक्का हरम जाएंगे और तवाफ करेंगे। अगर मौका लगा तो वहां पर भी हम थोड़ी सी वीडियो या फोटो या जो भी रहेगा तो हम वहाँ का ले लेंगे, नहीं अच्छा लगा या नहीं वहाँ पर ज़्यादा बना पाए तो नहीं दिखाएंगे, और ना सोने से हमारी आंखें हो गई हैं काली। तो मिलते हैं अभी आगे कहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो अभी हम हैं ताइफ में और अब जा रहे हैं मक्का में जा। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं ताइफ से मक्का में, और यहाँ देखने को मिलेंगे आपको ताइफ में ब्लैक कलर के पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, पूरा रास्ता इन्हीं से ही निकल जाएगा मक्का तक जाने के लिए। तो ताइफ में पहाड़ ही पहाड़ हैं, और एक रोड है, और ये मकात है, और थोड़े बहुत जद्दा में भी थे और मक्का में भी, चारों साइड पहाड़ ही हैं ये। तो अभी देखिए हम ताइफ से आ चुके हैं मक्का में, और अभी इस वक्त हम यहाँ, तो अभी हम आ गए हैं मस्जिदुल हरम में। तो हमने पहले अपनी होटल के आगे गाड़ी लगाई थी, और गाड़ी फिर टैक्सी से हम जल्दी से इस गेट पर आए हैं जहाँ से हमारी एंट्री है। तो यहाँ हमें अपॉइंटमेंट मिला हुआ था 9 बजे तक का, तो 9 बजने ही वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी से जाना है। और दो तीन दिन पहले ही हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, अगर वो नहीं है तो अंदर एंट्री नहीं है। तो एक बार आप अंदर चले गए और फिर उसके बाद में बाहर किसी वजह से आ गए तो दोबारा नहीं जा सकते। तो हम अभी अंदर जाने को रास्ते में है, जो कि एक ही गेट खोला है और काफी लंबा उसके जाने के लिए ये रास्ता बनाया है, इसी रास्ते से अंदर जाना है, बस ये जाने वाला है रास्ता। और अंदर पहुंचने के बाद में सफ़े मरवा जब हमारा होता है तो वहां से निकलने का रास्ता है बाहर। तो अभी तो हम जा ही रहे हैं, अभी हम पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो अंदर जाने के लिए बाहर है, बहुत बड़ी जगह है। तो हम सीधे आ रहे हैं अभी ताइफ से यहाँ पर,
क्योंकि बस हमने गाड़ी लगा दी है बाहर ही और हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो अभी तक हम देखिए हरम के बाहर जो मैदान रहता है जहाँ पर हम नमाजें भी पढ़ते हैं वही चल रहे हैं, और उन्होंने ये साइडों में वो लगाए हुए हैं, एक दीवार बना के रखी है, उसी जगह में हमें अंदर तक जाना है। तो हम काफी दूर तक जा रहे हैं, फिर आगे जब हम चले जाएंगे तो हमें अपना वो दिखाना है, एग्रीमेंट जो हमारा हुआ हुआ है, टाइम का टाइम मिला हुआ है, फिर हम अंदर हरम में पहुंच जाएंगे। तो बस ये इसी गेट से चले जाएंगे, यही गेट खुला हुआ है, कुछ गेट का नंबर भी दिख रहा था अभी। तो अंदर जाने के तो बहुत सारे गेट होते हैं, ये एक खुला हुआ है। तो हम सभी जा रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमें चप्पलें उतारनी है और चप्पल हमें प्लास्टिक बैग में डाल के अपनी साथ में ही ले लिया हम क्योंकि इधर से वापस नहीं आएंगे, तो हम तो वापस आगे से निकलेंगे। तो हमने प्लास्टिक बैग मिला है हमें, यहीं से ही खड़े हुए लोग प्लास्टिक बैग देने को अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें प्लास्टिक बैग में चप्पलें डालकर और अंदर हम देखिए अब अंदर आ चुके हैं हम। तो अंदर ये ऐसे बहुत बड़ी जगह है क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी लंबी जगह है और काफ़ी दूर तक चलना है हमें। तो यहाँ से चलते चलते हम खाने काबा के पास चले जाएंगे। देखिए अभी हम बिल्कुल लास्ट वाले उस पर पहुँच चुके हैं क्योंकि इन्होंने स्पेशली रास्ते बनाए हैं और अपनी ये जो खड़ी हैं दीवारें ये वैसे ही इन्होंने एक रास्ता बनाने को कोविड की वजह से बना दिया है। तो हम पहुँच गए और जैसे हम पहुँचेंगे वहीं से हमें बहुत सी पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो यही बोलते हैं कि जब आप अंदर पहुँच जाएंगे तो लगातार तवाफ करें। मतलब देखिए अब हम पहुँच गए खाने काबा के पास और यहाँ ये जो क्लीन कर रहे हैं ये इससे आगे को हमें रास्ता जा रहा है आगे जाने के लिए। पहले ये सारा तवाफ में फुल होता था, हमने जो पहले उम्रा करे तो सारे में तवाफ चला करता था। तो अभी देखिए आगे की जो शुरुआत की जगह है ये सारी बंद करी हुई है, तो क्योंकि बहुत बड़ी जगह है आगे तो बहुत जगह है, वहाँ हम तवाफ करेंगे। तो अब पहुंच गए हैं हम अंदर और ये जो लाइन नीचे पट्टी डली हुई है इसी पे चलकर हमें तवाफ करना है। तो ये एक एक मीटर दो दो मीटर की दूरी पर ये पट्टियां डाली हुई है, दिख रही होंगी नीचे पैरों में। तो ये बताने वाले भी इन्हीं के बीच में खड़े हुए हैं, काफी सिक्योरिटी वाले हैं बीच में, तो वो बोल रहे हैं जो भी साइड से हट जाता है तो उसको वो लाइन पर चलने को बताते हैं, मतलब दूर दूर चलो। तो इतनी दूर दूर और इतना खुला खुला चलना है हमें, ये देख रहे होंगे सिक्योरिटी पुलिस यूनिफॉर्म में और हर तरीके से वो बताने के लिए हमें खड़े हुए हैं। तो उसमें तो खैर हमारा ही फायदा है, तो हम कर रहे हैं अभी तवाफ चल रहे हैं ये हमारा, और वीडियो बनाने के लिए रुक के खड़े होने के लिए मना है, तो साइड से नीचे से मैंने चुपचाप बना लिए। तो ये चल रहा है हमारा तवाफ और जल्दी से निपट गए थे क्योंकि दिख रहा है पास में ही हम कर रहे हैं ये रहे, तो 10 से 15 मिनट ही हमें लगे होंगे बस। तो और काफी धूप हो रही है, हमारा एग्रीमेंट 6 बजे का था तो हम 6 से 9 बजे तक में हम अंदर एंट्री करने चाहिए, तो 9 बजे के करीब ही हम अंदर आए। तो अभी बज रहे होंगे बस 9:30। तो अभी धूप देखिए कितनी तेज हो रही है, तो ये सुबह का ही टाइम है और धूप इतनी तेज है कि आंखें हमारी खुल नहीं रही है क्योंकि ये खुली जगह है, बड़ी जगह है तो, और चलना भी है तो चल रहे हैं। और ये 10 से 15 मिनट की दूरी देरी पर फिर हम साइड में हमें बैठने के लिए जगह भी दी है, वहां पर हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो तवाफ हमारा पूरा हो चुका है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में ही हो गए होंगे, और फिर हम बैठ गए हैं साइड में जहाँ हमें थोड़ी अपना पढ़ना होता है कुछ दो रकात, तो हमने वो दो रकात भी पढ़ लिए और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं बैठ के, लेकिन ज्यादा देर बैठना यहाँ पर
बना है। ये सब देखिए, ये सामान गिलास पानी देने वाली और गिलास लेने वाली जो वाइट वो पहनकर है, ये भी यहाँ पर बहुत सारी है। पुलिस भी लेडीज बहुत सारी है, मेरे पीछे है, मैं आगे बैठी हुई हूँ। तो ये है, ऐसी जगह बनाई है इस तवाफ करने के ही। देखिए आगे तवाफ हो रहा है, यहाँ पीछे थोड़ी सी जगह लेडीज बैठने को और थोड़ी जगह जेंट्स बैठने को, तो वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं पूरी। तो ये देखिए घड़ी दिखाई दे रही है, टाइम क्या हो रहा है, अभी 9:30 भी नहीं हुए, 9:15 हो रहे हैं। तो टाइम और हमारा तवाफ हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया 9 बजे हम अंदर आए थे और 10-15 मिनट ही लगे थे, तो हमें वहाँ भी ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया था। अब हम आ गए हैं सफ़े मरवा पर, और सफ़े मरवा पर चाहे तो आप पैदल कर लें, और किसी के बस की नहीं है ज़्यादा देर तक चलना, पैरों में तकलीफ है या घुटनों में, तो ऐसे ही गाड़ी है जो कि एक बैटरी से चलती है, बैठ जाएं और बस ये जो मैं इसको दबा रही हूँ, इसको दबाएं और हिलाते रहे साइड में चलाने को, बस इसको दबाते ही वो चल जाती है, इसको छोड़ेंगे रुक जाएगी। तो और ये घुमाना है, ये जो पकड़ के मैं रखी हूँ इधर को घुमाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगी अपनी। तो ये है जाने के लिए रास्ता, और जो पैरों से चल कर रहे हैं वो भी मेरे राइट में चल रहे हैं लोग। तो देखिए ये मशीन बहुत अच्छी बनाई है, जितनी भी इसमें पैरों से नहीं चल सकते किसी को प्रॉब्लम थी वो बहुत लोग इसमें हैं, और ये कोविड के टाइम पर बनाई है, और ये हर जगह के लिए है, हमने सिर्फ सफ़े मरवा के लिए ली थी, और आप चाहें तो तवाफ के लिए भी है और पूरे खाने काबा के लिए भी है, जितना भी पूरा हरम का जो रास्ता खुला है सारे में सबके लिए है, अंदर बाहर नहीं। और उसके अलग अलग पैसे हैं, जैसे कि हमारे हमने सफ़े मरवा को ली थी तो इसके अलग थे, और ज़्यादा चाहिए तो जैसे हम 200-100 इस तरीके से थे, तो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा है। फ्रेंड्स हम हैं अभी इस वक्त सफ़े मरवा में, जिसे सही भी कहते हैं, सही करना, 7 इसमें राउंड लगाने होंगे, तो मेरे पैर सूज रहे हैं, और मैंने ये मेरे पैर ये दिखे हैं, ये मेरे पैरों के गट्टे ये सब जो है सूजने लग रहे हैं, तो मैंने ऐसी तरह से गाड़ी ले ली है, हम इस तरह से गाड़ी में बैठे हैं, ये और ये गाड़ी इसे ये जा रही है। तो अभी हम चल रहे हैं सफ़े मरवा पर, और अमान भी साइड में चल रहा है, यहाँ अमान चल रहा है, ये जो साइड में चल रहा है ये अमान ही है, ये रहा, ये दिख रहा है। तो जो पैदल या पैरों से कर रहे हैं वो ये साइड में चल रहे हैं, जो गाड़ी से कर रहे हैं इनको बीच में दो आने और जाने के रास्ते बना दिए हैं, और ये कोविड में ही बनाए हैं अभी। तो ये देखिए कैसे जा रही है, ये सिंगल वाली थी और हमने जो ले रखी है ये डबल वाली थी, तो सिंगल पे अगर एक आदमी है तो सिंगल पे बैठ जाए, तो मैंने कहा चलो हम दोनों भी थोड़ा बैठ जाएंगे, दो डबल वाली ले ली। सफ़े मरवा हो गया हमारा, तो सफ़े मरवा का रियल जो पत्थर है पहाड़, जहाँ पहले ये सारा पहाड़ी होता था, तो अब ये ओरिजिनल थोड़ा सा छोड़ा है ये साइड में, यही वो पहाड़ है जो कभी था। और ये देखिए सैनिटाइजर मशीन आ गई, ये सैनिटाइजर करती हुई, ये पब्लिक चारों साइड में है और सैनिटाइजर कर रही थी, उसका थोड़ा सा मैंने ले लिया था। तो फ्रेंड्स अभी हमारे हो चुका है सफ़े मरवा, और हम लास्ट बिल्कुल बाहर जा रहे हैं निकल के। तो हम जा रहे हैं अभी होटल पर रूम पर, और वहाँ पर हम फ्रेश होकर कर रहे हैं लंच। हस्बैंड ये लेकर आए थे अलबैग, और अलबैग मिला था बड़ी दूर, टैक्सी से लेकर आना पड़ता है, जहाँ भी हम रुके हैं वहाँ टैक्सी से ही खाना लेकर आना पड़ा है, बड़ी दूर मिलता है खाना। तो सभी के लिए ये है कि दूर दूर खाना मिलता है, जाइए गाड़ी से और लेकर आइए। तो हस्बैंड टैक्सी से लाते थे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो अब है हम मक्का में, उमरा हो चुका है हमारा सुबह, और अभी बज रहे हैं रात के 8, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे मदीना के लिए।
तो मक्का में अभी बस इतना ही हमारा था, ज्यादा बाजार या बाहर जाने को टाइम नहीं मिला, थक गए थे रात का सफर करके और सुबह में उमरा करके, और हमने ये होटल ले लिया था। अभी हम होटल में हैं, तो अभी हम ये इस तरीके से, ये पीछे मेरे ग्लास है और हम हैं होटल में और होटल छोड़ने वाले हैं, बैग उठा रहे हैं, अब निकलेंगे मदीना के लिए। तो अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं, सुबह हम फजर के टाइम मदीना में पहुँच जाएंगे, फजर से पहले ही पहुँच जाएंगे। तो बस हमारे सबके यहाँ अलग अलग बेड लगे हुए हैं और अलग अलग बेड पर हम सब ऐसे यहाँ पर लेटे हुए थे और आराम किया है सारे दिन और सो भी गए थे। अभी उठे हैं, आंखें दिख रही होंगी सोई हुई थोड़ी सी, अभी सही लग रहा होगा क्योंकि सो लिए हैं थोड़ी सी देर, और सोते नहीं है सारी रात भी सफर होता है, और दिन में हम कहीं पर चल रहे होते हैं तो जहाँ भी हमें जाना है तो नींद पूरी नहीं होती है, तो अभी आज हम सो गए बस। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी यहाँ से भी मदीना के लिए काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 8 बजे हैं और पहुँचेंगे 4 बजे तक, तो कैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, फिर से नींद ख़राब होगी, फिर से जागेंगे और सारे दिन पे हम वहाँ पर ज़्यारत करेंगे।